बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? मैं तो खैर से होंगे। सादा पे वर्सेस नया पे, विच वन इज द बेस्ट? या आप कह लो कि वाई डू आई प्रेफर सादा पे ओवर नया पे? मैं सादा पे को क्यों प्रेफर करता हूँ, या मेरे मुताबिक सादा पे क्यों, जिसे कहते हैं, ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू नया पे? एक डिटेल वीडियो में मैं आपको दोनों का जो है बताने वाला हूँ, नया पे का भी बताने वाला हूँ, सादा पे का भी बताने वाला हूँ, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इनके कार्ड फ्री मिलते हैं, आप उनको कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हो, पाकिस्तान से बाहर इस्तेमाल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कितने टैक्सेस हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपने सादा पे यूज़ करना है या आपने नया पे यूज़ करना है। जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मैं अपना जो कह लो कि व्यू पॉइंट है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। मुझे सादा पे अच्छा लगता है, वो क्यों अच्छा लगता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी ही उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्पायर हो जाओ, ठीक है, और सिर्फ सादा पे ही यूज़ करो। वैसे मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ, सादा पे भी यूज़ करता हूँ, नया पे भी यूज़ करता हूँ, लेकिन सादा पे क्यों बेहतर है नया पे से, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, हम बात करते हैं जी, हम सादा पे की बात करते हैं। अच्छा, सादा पे और नया पे दोनों जो है मोबाइल वॉलेट्स हैं, सेम लाइक जैसे आपका जैज कैश है, आपका इजी पैसा है, आपका यू पैसा है, जैसे आपका जोंग का पेमैक्स, ठीक है, सेम वैसा ही है। आपने अगर पूरे पाकिस्तान में अपने सादा पे अकाउंट से किसी भी बैंक अकाउंट पे, किसी भी मोबाइल वॉलेट पे अगर आपने पैसे भेजने हैं, तो आप सादा पे नया पे से भेज सकते हो फ्री में। जी हाँ, दोनों से भेज सकते हो, और आपका एक रुपया भी नहीं कटेगा, विद इन सेकेंड्स जो है वो आपके ट्रांजेक्शन हो जाएगी, पैसे चले जाएंगे, ठीक है। ये दोनों में ऑप्शन आती है, ठीक है। अब अगर आपने मोबाइल टॉपअप करना है, आपने इजी लोड करना है, वो आप सादा पे से भी कर सकते हो, वो आप नया पे से भी कर सकते हो, ठीक है जी। जो चीज़ें सेम है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर डिफरेंस आएगा वो भी मैं आपको क्लियर करके बताऊँगा। तो अभी हम पूरे पाकिस्तान में किसी भी बैंक अकाउंट में हमने पैसे भेजने हैं, वो हम भेज सकते हैं सादा पे से, नया पे से, ठीक है जी। उसके बाद अगर हमने मोबाइल लोड करना है, इजी लोड करना है, हम वो भी कर सकते हैं। अब आपने बिल्स अगर जमा कराने हैं, तो यहाँ पे नया पे में जो है ज़्यादा डिटेल ऑप्शन है। आपने पानी का बिल, आपका गैस का बिल, आपका बिजली का बिल, आपका पीडीसीएल का बिल, इवन आपके स्कूल की फीसेज, आपकी यूनिवर्सिटी की फीसेज, आप ये नया पे से जो है इजीली जो है पे कर सकते हो। सादा पे में अभी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, ठीक है। अगर हम बिलिंग की बात करें, तो बिलिंग में मेरे ख्याल से अभी वहाँ पर उन्होंने वासा ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है जी, लाहौर वासा उन्होंने ऐड नहीं किया हुआ। इसी तरह आपके गैस में भी उन्होंने कुछ इस तरह कंपनीज अभी ऐड नहीं किया, उनसे मेरे ख्याल से भी उनकी बातचीत चल रही है। तो अगर मैं बिल्स के लिहाज से बात करूँ, तो भाई सादा पे में अभी एज एन ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलती, इस लिहाज से नया पे आपका बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। नया पे में एक मज़ेदार ऑप्शन और भी है, आपकी डिस्प्यूट मैनेजमेंट की ऑप्शन भी है। या आपका कोई, लेट्स से आपकी कोई ट्रांजेक्शन फेल होगी किसी वजह से, तो आप वहाँ पे डिस्प्यूट ओपन कर सकते हो। सादा पे में ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों में चैट की ऑप्शन है कि आप फ़ौरन से पहले उनके कस्टमर सपोर्ट से SMS के थ्रू, यानी इन ऐप चैट के थ्रू उनसे बात कर सकते हो, कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हो, और दोनों की कस्टमर सपोर्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है जी। और अब हम बात करते हैं जी के कार्ड के लिहाज से बात करते हैं, कार्ड दोनों में से किसका ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है जी। अच्छा, जो सादा पे आपको डेबिट कार्ड देते, चाहे वो आपका फाउंडर्स क्लब कार्ड मिले आपको, ब्लैक वाला यहाँ आपको सिंपल वो ब्लू वाला कार्ड मिले, या सी ग्रीन वाला कार्ड मिले, उन दोनों में प्लस पॉइंट ये है कि ये आपका नंबरलेस कार्ड है, यानी कि उसके ऊपर कार्ड के ऊपर नंबर नहीं लिखा, ना एक्सपायरी डेट लिखी है, जिसमें आपका नाम लिखा हुआ, ठीक है। तो इन केस अगर आपका कार्ड गुम भी जाता है, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है, यार मेरा कार्ड गुम हो गया, तो कोई उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि सारी उसकी डिटेल जो है वो आपकी सादा पे की मोबाइल एप्लीकेशन में। इस लिहाज से सादा पे का डेबिट कार्ड जो है वो बहुत कमाल का, मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड बेसिकली बहुत कमाल का। अब अगर मैं नया पे का वीज़ा डेबिट कार्ड की बात करूँ, तो नया पे के वीज़ा डेबिट कार्ड जो है ना, वो भाई नंबरलेस कार्ड है, उसके ऊपर नंबर आपके जो है ना वो मौजूद है, ठीक है। और वो बड़े इन्होंने कार्ड में से बड़ा प्यारा, नो डाउट, जो आपको नया पे का कार्ड मिलता है, आपको जो ऑरेंज वाला कार्ड मिलता है वो बड़ा कमाल के, पीछे मेरा शेड ना जिस कलर का, सेम इस तरह आपको कार्ड मिलता है, कार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर आपको जो नंबर एम्बोस होगा, ठीक है जी। तो आपका एक्सपायरी डेट भी कार्ड की मौजूद है, आपका नाम भी मौजूद है, और आपका जो CVC कोड है वो भी मौजूद है। इनकेस अगर आपका कार्ड गुम जाता है, तो आप उसे ऐप से जाके बंद तो कर सकते हो, वो भी अगर आपको पता चल जाए, लेकिन वैसे अगर अकाउंट में अगर बैलेंस है, पैसे हैं, तो अगर आपके सादा पे कार्ड गुम गया, तो वो कोई अगर इस्तेमाल करे तो वो इजीली इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी वाइज अगर मैं बात करूँ, तो सादा पे का डेबिट कार्ड जो है ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है जी। बाकी अगर हम और क्या क्या बात करें, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोग मुझे पूछते हैं कि इनमें से दोनों में से जो डेबिट कार्ड्स है, क्या वो AliExpress पे इस्तेमाल होते हैं? अच्छा, एक मज़े की बात, सादा पे भी आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देता है, और आपको नया पे भी आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देता है, दोनों आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री में देते हैं। जी हाँ, सादा पे का भी वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री में मिलता है, नया पे का भी वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री में मिलता है।
अब एक चीज़ यहाँ पे है, ठीक है जी, अली एक्सप्रेस पे दोनों ही कार्ड इस्तेमाल होते हैं। आप अपना जो नया पे का वर्चुअल डेबिट कार्ड है, नया पे का फिजिकल कार्ड है, सादा पे का वर्चुअल डेबिट कार्ड है, सादा पे का फिजिकल कार्ड है, वो आप अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर प्लेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और आपको उसी वक्त ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो आपको सादा पे का यूएसडी टू पी क्या रेट मिलता है ना एक्सचेंज रेट, वो सादा पे में काफ़ी अच्छा मिलता है। फॉर एग्जांपल अभी 282 जा रहा है तो सादा पे आपको 290 तक चार्ज कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नया पे की तो वो लगभग आपको 300 के करीब चार्ज करेगा, जिसकी वजह से आपके वो जो अमाउंट आपकी यानी कन्वर्जन आपकी पी क्या टू यूएसडी में होनी, वो आपकी तरफ पैसे ज़्यादा चार्ज होते हैं। बाकी विदहोल्डिंग टैक्स जो है जो वो सेम रहता है। हाँ, FEC जो है फॉरन एक्सचेंज कॉस्ट, वो जो है आपकी सादा पे में आज कम्पेयर टू नया पे मेरे ख्याल से कम लगती है, और वो किसी भी बैंक से कंपेरिजन करें तो वो कम लगती है। फिर कुछ टैक्सेज हैं नया पे में, कुछ टैक्सेज ऐड हो चुके हैं, गवर्नमेंट टैक्सेज ऐड हो चुके हैं, ट्रांजेक्शन टैक्सेज ऐड हो चुके हैं, वो मेरे ख्याल से अभी तक मुझे सादा पे में नज़र नहीं है, तो उस लिहाज से भी सादा पे बेहतर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें दोनों के कार्ड्स की प्राइसिंग की, ठीक है, कि प्राइसिंग क्या क्या है, तो भाई नया पे के जो डेबिट कार्ड है आपका, जो फिजिकल कार्ड है, जो वीज़ा डेबिट कार्ड है, जो आपका वर्चुअल कार्ड है, वो आपको दोनों फ्री में मिल रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा प्रोसीजर सख्त हो गया है कि पहले आप लोग बड़ी आसानी से ऐप डाउनलोड की, रजिस्टर किया, अकाउंट क्रिएट किया, वेरिफिकेशन होगी और आपका कार्ड मिल जाएगा आपको। अब उन्होंने सख्ती कर दी भाई, वो पर्पस पूछते हैं अकाउंट क्यों क्रिएट कर रहे हो, पर्पस क्या है, किस लिए क्रिएट कर रहे हो, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि नया पे आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत से लोग जो कि बेचारे बस मजाकिया मजाकिया शौक शौक में अकाउंट क्रिएट करते, तो उनको पता चलता कि भाई हम जो है वेरीफिकेशन जब करवा रहे थे तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते, इसकी वजह से वो आपकी रिक्वेस्ट डिक्लाइन करते थे, आपका कार्ड आपको फ्री में नहीं मिलता, ठीक है जी। सादा पे वाले भी बिल्कुल जैसे कहते हैं वेरीफिकेशन करके करें, लेकिन नया पे का अभी भी आपको जो कार्ड है दोनों फ्री में मिल रहे हैं। सादा पे का डेबिट कार्ड जो है वो आपको फ्री में नहीं मिल रहा, कभी कभी किसी को 1 रुपया चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, और कभी कभी किसी को वो 895 रुपीज़ वन टाइम चार्ज कर रहे हैं, 895 रुपये चार्ज कर रहे हैं वन टाइम। लेकिन यकीन जाने 895 रुपये के अंदर भी आपको जो कार्ड मिल रहा है ना, वो एज कम्पेयर टू नया पे, उसके बाद एज कम्पेयर टू जैस कैश, इजी पैसा, यू पैसा, जोंग का पे मैक्स, इन सब से बहुत 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 ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। यूएसडी टू पी क्या अच्छा रेट मिलता है, टैक्सेस कम है, FEC कम है, ठीक है। फ़ौरन से पहले आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, फ़ौरन से पहले पैसा आपके अकाउंट से कट जाएंगे अगर बैलेंस हुआ अकाउंट में तो, ठीक है। और जो है कार्ड भी जो है उसकी जो एक एक लुक है, जो फील है, बहुत कमाल की है, नंबरलेस कार्ड है, तो गुम होने के बाद टेंशन की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये एक ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं या कैलोन की यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, जिसमें वो एज़ कम्पेयर टू नया पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ले जाते हैं, और जो उनकी कस्टमर सपोर्ट है दैट्स ट्रूली अमेजिंग, नो डाउट। नया पे की भी बहुत अच्छी, लेकिन नया पे ने बाद में मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया भी नया पे वालों को, यार ऐसे करो ऐसे करो, फिर जाकर उन्होंने उस चीज़ को जो है इंप्लीमेंट किया। अदरवाइज़ पहले जो है कस्टमर सपोर्ट नहीं थी इतनी ज़्यादा, इन ऐप चैट बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज़ें बाद में उन्होंने बिल्ड की, लेकिन अच्छी बिल्ड की, ठीक है। इनका कार्ड आपको जल्दी मिल जाता है, इसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, क्यों नहीं है, सादा पे में एक वेटिंग लिस्ट है, क्यों है, ठीक है, जिसको ख़त्म करने के लिए या तो आप अपना ब्लैक कार्ड, जो सादा पे के आपको 2 वर्जन मिलते हैं कार्ड में, एक आपको सिंपल सीग्रीन वाला कार्ड मिलता है जो आपका नॉर्मल कार्ड होता है, और एक आपको प्रिविलेज्ड कार्ड मिलता है फाउंडर्स क्लब कार्ड, ठीक है। उसमें आपको मर्चेंडाइज भी मिलते हैं, फ्री गिफ्ट भी मिलते हैं, ठीक है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ, सादा पे की प्लेलिस्ट मैं लगा दूंगा, वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है, कि कैसे मिलते हैं वो भी सारा बताया हुआ। और दूसरा फिर आपका जो भाई जो है सादा पे की आपको गोल्डन टिकट मिलती है, जो कि अभी तक वहाँ से 58 टिकट्स मैं दे चुका हूँ फ्री में, ठीक है, जिससे आपका वेट लेस स्किप हो जाता है। तो सादा पे के लिए आपको ज़रा क्यू में लगना पड़ता है, ठीक है। देखिए अच्छी चीज़ें होती है ना, उसके लिए फिर आपको ज़रा जैसे कहते हैं इंतजार करना पड़ता है, सबर का फल मीठा होता है, ऐसा भी नहीं है कि फ़ौरन से पहले हर चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो सबर का फल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन उसके बाद जो आपको चीज़ मिलती है कार्ड, मुझे यार फील वाइज कार्ड अच्छा लगता है, लुक वाइज कार्ड अच्छा लगता है, चूँकि नंबरलेस कार्ड है मुझे वो अच्छा लगता है। फिर एक जो इनका मॉनिटर फीचर ये है कि सादा पे ने अभी भी ये रखा हुआ है कि आप सादा पे के डेबिट कार्ड को पाकिस्तान के किसी भी बैंक के ATM से जब आप उसको पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप लेट्स से मैं चला गया किसी गवर्नमेंट बैंक में, मैं चला गया जी नेशनल बैंक में चला गया, मैं प्राइवेट बैंक में चला गया, MCB में चला गया, ठीक है जी, मैं UBL में चला गया, मैं बैंक सामी में चला गया, ठीक है, या बैंक ऑफ सिंध में चला गया, बैंक ऑफ खैबर में चला गया, कहीं भी चला गया, उनके ATM में चला गया, मैंने पैसे विड्रॉ करने, तो मैं सादा पे का डेबिट कार्ड जो है वो मैंने इस्तेमाल किया, तो मैं 10,000 रुपये डेली का विड्रॉ कर सकता हूँ, और 1 रुपये भी चार्ज नहीं करेंगे विड्रॉल के ऊपर। दिन महीने में मैं 3 दफ़ा विड्रॉल कर सकता हूँ 10,000 के। 10,000 की जो लिमिट है वो बेसिकली स्टेट बैंक ने आपकी फिक्स की हुई है, ठीक है, वो नया पे सादा पे दोनों में सेम ही है, ठीक है। लेकिन नया पे में जब आप पैसे निकलवाते हो ना, नया पे का डेबिट कार्ड इस्तेमाल करके किसी भी बैंक के ATM से पैसे निकलवाते हो, वो आपको 23.44 आपके कटेंगे विड्रॉल के पर ट्रांजेक्शन। सादा पे पे अभी भी ये चीज़ फ्री है, 3 ट्रांजेक्शन फ्री में है, 4th दफ़ा आपके 23.44 रुपये कटेंगे। नया पे में पहले ये चीज़ फ्री की थी, लेकिन अब उन्होंने जाके इसमें जो है ना ये जो है
ये वाले पैसे डालने शुरू कर दिए। सिट्टे वाले भाई जा रहे हैं, अगर किसी ने सिट्टा खाना है तो मुझे बता दो यार। वैसे गर्मी में ना सिट्टा खाने के अपने मजा है। भाई को सारे जाने देते हैं क्योंकि उन्होंने स्पीकर वगैरह लगाया हुआ है, तो उसके बाद जो है ना फिर हम बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए खामोशी तैयार करते हैं। गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा हो गई है यार, मौसम जो है ना देख सकते हो ज़रा, ये देखो मौसम जो है ना वो टका के फुल डिस्टर्ब गर्म हो गया। तो जी काफ़ी दूर जा रहे हैं ठीक है, लेकिन चूँकि स्पीकर पे लगाया हुआ था आवाज़ आ रही है। तो भाई अब सादा पे की एक रीज़न ये भी है कि आपके जो है विड्रॉल चार्जेस अभी तक नहीं है। तीनों विड्रॉल के ऊपर आपको जो है फ्री विड्रॉल है, चौथे पे आपके विड्रॉल पड़ेंगे। नया पे कि आपके पहले विड्रॉल पे चार्जेस हैं ठीक है, फिर आपका नंबरलेस कार्ड है, एक्सचेंज रेट जो है USDT PKR आपको अच्छा मिलता है, सर्विस फॉरम जिसे कहते हैं हो जाती है बाहर से अगर आपने अच्छा, दोनों के अंदर IBAN नंबर आपको मिलता है, इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर, यानी कि आपने पैसे किसी क्लाइंट से बाहर से मंगवाने हैं तो आप सादा पे नया पे दोनों से मंगवा सकते हो। लेकिन उसके लिए उनकी वीडियो देख लेना क्योंकि डायरेक्टली IBAN नहीं देना। अगर डायरेक्टली अपना सादा पे का नया पे का IBAN दे दोगे तो क्लाइंट को पैसे ट्रांसफर कर दो, नहीं होंगे, वो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, उनके थ्रू पैसे आएंगे ठीक है। लेकिन सादा पे में एक मज़ेदार चीज़ है, सादा बिज, सादा पे बिजनेस अकाउंट, वो इतनी कमाल चीज़ है कि भाई आप चाहते हो जी कि मैं फाइवर फ्रीलांस जो आपकी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं आप वहाँ से क्लाइंट को डायरेक्ट इनवॉइस नहीं भेजना चाहते क्योंकि आप चाहते हो यार वहाँ पे 20% 30% जो है वो काट लेते हैं, आप चाहते हो मैं पैसे डायरेक्टली अपने सादा पे अकाउंट में मंगवा लूँ, तो उसके लिए सादा पे ने एक बड़ी अच्छी ऑप्शन निकाली हुई है, सादा बिज जिसे कहते हैं, सादा पे बिजनेस अकाउंट 24 घंटे में ही वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने क्लाइंट को इनवॉइस भेज सकते हो, कस्टमाइज इनवॉइस, और उसको वो लिंक भेज दोगे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, SMS के थ्रू, किसी भी थ्रू, और वो जैसे अपने डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा, आप उसे डॉलर्स में भेजोगे, वो पैसे ट्रांसफर करेगा वहाँ से, यानी पेमेंट करेगा इनवॉइस के अंदर, और आपके पैसे कन्वर्ट हो गए सादा पे अकाउंट में, पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे 2 से 3 दिन के अंदर, कन्वर्जन रेट भी अच्छा मिलता है और पैसे भी जल्दी आते हैं और पैसे सिक्योर भी रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिस पे सादा पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन 895 रुपये दे के जो आपको कार्ड भी मिलता है ना, जो डेबिट कार्ड मिलता है यार, वो बहुत कमाल है। तो ये कुछ ऐसी रीजंस हैं, ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से मैं अभी भी कहता हूँ कि सादा पे एज़ कम्पेयर टू नया पे बहुत बेहतर है। बेशक नया पे आपको फ्री में मिलता है, लेकिन सादा पे इन बिहाफ पे मैं कहता हूँ भाई सादा पे दी बेस्ट है ठीक है। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान।